ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन एयरवुमेन एज ए फीमेल मेडिकल असिस्टेंट FMA. हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सब लोग. कैंडिडेट्स, आपने सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाना है. कोई भी आपका ब्राउज़र हो, मोबाइल का हो या कहीं से भी हो, ठीक है. आपने ब्राउज़र पे आ जाना और सिंपल यहाँ पे लिखना है edusmartprep.com. जब आप ये लिखोगे edusmartprep.com तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओगे. यहाँ पे जो सबसे पहली फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली पोस्ट है, इस पर आप क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आओगे. पहले आपने जॉब का डिस्क्रिप्शन देख लेना है, उसके बाद आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है. देन आप ज्वाइन PF की वेबसाइट पे चले जाओगे. ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है ना स्मार्ट कार्ड होना चाहिए नादरा का. अगर आपकी एज अभी 18 नहीं हुई फिर भी आपका बन जाएगा, अंडर एज भी बन जाता है, ठीक है, आप उनसे बोलिएगा. देन आपने इस रेड कलर पर क्लिक करना है, ये लो, और यहाँ पर आपने अपना जो है वो इंटर करना है ID कार्ड, ठीक है. ये मैंने ID कार्ड इंटर कर दिया. उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है. उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक. अगर आप रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने रूरल एरिया की लिस्ट लाजमी देख लें. मेरे वेबसाइट पे पड़ी हुई है रूरल एरिया की वेबसाइट, सॉरी लिस्ट. आपने देखा ये सारे के साथ मैं फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, ये देखो फीमेल मेडिकल असिस्टेंट नॉर्मल, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट रूरल कोयटा ब्लोच अदर देन कोयटा, ये आपने चारों देखा. अब आप अप्लाई किस में करोगे. अगर तो आप ओपन मेरिट होना तो आप नॉर्मल में अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपका कोटा बनता है, ये देखना अभी किन लोगों का कोटा बनता है. ये मैंने इनकी लिस्ट पूरी अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पे. ये ज्वाइन पाकिस्तान वर्ल्ड edusmartprep.com पे आओगे तो पहली पहली पोस्ट पे ये देखो, या आपने इसी को सर्च कर लेना अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ सिलेक्शन इन PF. अगर आप सर्च में सर्च करोगे तो ये पोस्ट आ जाएगी. ये नीचे मैंने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो भी इलाके हैं मैंने ये सारे इधर लिख दिए हैं रूरल एरियाज के. अगर आप इनसे ताल्लुक़ रखते हो तो आपने सिंपल रूरल में अप्लाई कर देना है, लेकिन अगर आप इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपने नॉर्मल में कर देना है. अगर आप कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच हैं और कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं तो इधर अप्लाई कर देना है. अगर आप बलोच हैं लेकिन कोयटा से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपने बलोच अदर देन कोयटा में अप्लाई कर देना है, ये मस्ट है. इसी से आपकी सिलेक्शन होगी, आपको बेनिफिट भी मिलेगा इसका. अभी ओपन मेरिट वाले इसका जब आपने देखा, जॉब की डिस्क्रिप्शन इधर भी लिखी हुई है, आप ये पढ़ लेना. अगर आप एलिजिबल हो देन आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है. ऐसे जब आप अप्लाई नो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. ये आपके सामने फॉर्म आ गया. अब आपने इसे फिल आउट करना है. सबसे पहले आपने अपना सिलेक्शन सेंटर जो है ना वो सिलेक्ट करना है. जो एक दफ़ा कर लिया वो कर लिया, चेंज नहीं होगा. लाहौर सिलेक्ट मैंने कर लिया. एयरमैन या एयरवोमैन के लिए मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन, ठीक है, ओके. ये ID कार्ड नंबर आपका आ गया, CNIC या बे फॉर्म जो भी है आपके पास, ओके. फुल नेम क्या है, मैं अभी MA ही करूँगा अप्लाई ताकि आप लोगों को पता चल जाए कैसे. सिमी मैं नाम लिख देता हूँ इधर, ठीक है. फादर नेम क्या है, मोहम्मद लिख देता हूँ. और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इधर लिखनी है, ठीक है. मैं इधर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करो 2003 February 12, हाँ ठीक है, ये मैंने डेट लिख दी. उसके बाद आप फीमेल हैं, फीमेल सेलेक्ट करोगे. आपकी हाइट कितनी है, मिनिमम जो हाइट है वो 148 है, आपकी जितनी हाइट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे. रिलीजन आपका जो भी है, इस्लाम, सिख, हिंदू, जो भी है वो आप इधर सेलेक्ट कर लोगे. मैं इस्लाम सेलेक्ट करता हूँ. उसके बाद मार्शल स्टेटस सिंगल ही आपने रखना है क्योंकि सिंगल ही अप्लाई कर सकते हैं. डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो, फाना से, फाटा से, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से भी. मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब करूँगा. फादर ऑक्यूपेशन आर्मी एयरफोर्स नेवी में है अगर कोई, तो आप आर्मी एयरफोर्स नेवी को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज अदर को क्लिक कर दोगे. प्रोविंस का आप लिखोगे, प्रोविंस आपका जो भी है, सूबा आपका जो भी है, मेरा पंजाब है, मैं पंजाब लिखूंगा. डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आप लिखोगे, मेरा नारोवाल है तो मैं नारोवाल लिखूंगा. तहसील जो भी है मेरी शकरगढ़ तो मैं शकरगढ़ लिखूंगा. एड्रेस, ये मैंने एड्रेस अपना पूरे का पूरा छापा लगा दिया, ठीक है. और इसी तरह हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है, ये भी नोट कर लो मोबाइल नंबर भी. क्यों भला,
आपने अभी इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी, तो इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेंगी। ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल, फी वगैरह की आप डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करोगे, इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस लो। ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। उसके बाद ये जो रेड कलर में तीन हरफ लिखे हुए हैं ये आपने नीचे लिख देने हैं, 23, 64, वो जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन कितनी है, मैट्रिक बेस पे आपने अप्लाई किया तो आप मैट्रिक करोगे। FSC अगर आपने की हुई तो FSC ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन ये अप्लाई मैट्रिक बेस पर हो रहा है। मेजर साइंस है। मैट्रिक के कुल नंबर कितने थे, 1100। टोटल नंबर आपने कितने लिए, 960, जितने भी आपने लिए हैं, ठीक है, वो आपने लिखना। पासिंग ईयर क्या है, 2020-21, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप लिख दो, और जो भी आपके स्कूल वगैरह का नाम है वो इधर लिख दो, इधर डैशेज वगैरह नहीं डालनी, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने पूरे पूरे फॉर्म को फिर से रीड आउट करना है। जब आप पूरे के पूरे फॉर्म को फिर से रीड आउट कर लोगे तो आपको पता चलेगा भाई हमारा फॉर्म ठीक है, देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो आपको फिर से पूछेंगे क्या कंफर्म है, सब कुछ ठीक है, मैं बोलूंगा जी सब कुछ ठीक है, तो इधर आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना। और साथ ही आपकी ये देखो स्लिप आ गई, आपका डेट क्या आया, 29/12/2021, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और इंशाल्लाह इसके बाद और भी जो एकेडमिक आपका टेस्ट होगा ये भी लिया जाएगा। प्रिंट सेव, यहाँ से आप प्रिंट सेव पे क्लिक करोगे और फिर नीचे से आगे प्रिंट सेव पे क्लिक करोगे और इसको सेव एज PDF करके आप सेव कर लोगे अपनी रोल नंबर स्लिप अपने पास, ठीक है। और इसी तरह आप किसी भी फोटो स्टेट वाली दुकान पर जाके ये इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। तो ये थी बच्चे आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक ये अप्रूव्ड लिस्ट वाली लिस्ट नहीं देखी, जो भी एरियाज हैं रूरल, तो इसको लाजमी देख के उनमें अप्लाई करना, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ जाओ हमारे पास, एजो स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लासेस दी जाएंगी इंशाल्लाह। और फी वगैरह की डिटेल लेने के लिए 0306-88-92-208 नंबर पर क्लिक कर लो, ओके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।